चौथा प्रश्न है, चित्र में यदि रेखाएं PQ और RES बिंदु T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि ये जो PQ है और RES रेखा है वो बिंदु T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि कोण PRT बराबर 40 अंश, ये वाला कोण 40 अंश, कोण RPT बराबर 95 अंश, ये कोण 95 अंश है, और कोण TSQ 75 अंश है, ये वाला कोण 75 अंश है। तो कोण SQT ज्ञात कीजिए। SQT ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले इस वाले त्रिभुज में PRT में इसके दो कोण ज्ञात हैं, तो ये वाला कोण ज्ञात कर लेंगे। जब ये वाला कोण ज्ञात हो जाएगा तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये कोण भी ज्ञात हो जाएगा। और ये दोनों कोण जब ज्ञात हो जाएंगे तो इस त्रिभुज की अगर दो कोण ज्ञात हैं तो तीसरा हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। त्रिभुज PRT में, कोण PRT, प्लस कोण RPT, प्लस कोण RTP, तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 अंश आएगा। क्यों, यहाँ पे आप लिखेंगे त्रिभुज के अंतः कोण, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। कोण PRT, दिया गया है 40 अंश, प्लस कोण RPT, है 95 अंश, प्लस कोण RTP, ये तो हमें निकालना है, ये वाला कोण बराबर 180 अंश। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 और 5 मिलकर के 5, 9 और 4 13, 135 हो गया, प्लस कोण RTP बराबर के इधर 180 अंश। इसको इधर लाएंगे तो कोण RTP बराबर 180 अंश, माइनस ये हो जाएगा 135 अंश। अब घटाएंगे, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 3 गए 4, 1 में से 1 गए 0, 45 अंश। कोण RTP आया 45 अंश, ये वाला कोण आ गया 45 अंश। तो ये कोण अगर 45 अंश है तो ये वाला कोण भी 45 अंश होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो इसको लिखेंगे QTS, चूंकि कोण QTS बराबर है कोण RTP, क्यों यहाँ पे लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, तो कोण QTS बराबर हो जाएगा 45 अंश। अब इस वाले त्रिभुज में देखिए, दो कोण मालूम है, तो तीसरा निकल जाएगा और यही हमें निकालना है, SQT यही वाला कोण निकालना है। त्रिभुज SQT में, ये वाला कोण QTS, प्लस ये वाला कोण QST या TSQ लिखिए, TSQ, प्लस ये वाला कोण SQT, इन तीनों अंतः कोणों को जोड़ेंगे तो 180 अंश आएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। अब QTS आया है 45 अंश, प्लस TSQ दिया गया है 75 अंश, प्लस कोण SQT यही हमें निकालना है, बराबर के इधर 180 अंश। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 5 10 के 0 हासिल आए 1, हो गया 8, 4 12, 120 अंश, प्लस कोण एस
क्यू टी बराबर के इधर 180 अंश। चलिए हम यहाँ पे हल कर लेते हैं, 120 को हम इधर लाएंगे तो बाएं पक्ष में बचेगा कोण एस क्यू टी बराबर, उधर दाएं पक्ष में 180 अंश था, 120 को दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो माइनस 120 हो जाएगा, घटाएंगे तो 180 में से 120 तो आ जाएगा 60 अंश। तो ये कोण आ गया 60 अंश, और यही हमें निकालना था, यही आपका उत्तर है।